इस वक्त हम कुशीनगर खड्डा क्षेत्र के नाराड़ी नदी के तट पर मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वाल्मीकि बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा है। नदी में तेजी से कटान होना शुरू हो गई है। नदी उस पार रेता क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ का पानी गांव से हटा तो नदी में कटान होने लगा। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नाराड़ी नदी में कटकर विलीन हो गई। वाल्मीकि नगर बैराज से क्यूसेक पर पानी छूटने के बाद उत्तर प्रदेश के नारायणी नदी में तेज उफान के कारण बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदनपुर सुकौली के अगल बगल के खेत नदी के कटान से कट कट कर गिरने लगे हैं। इस मंजर को देखकर किसानों के मुख से हाय भी न ही निकल पाए और अपने खेतों की बर्बादी का नजारा अपने आंखों से देखते रहे। किसानों से संपर्क करने पर बताया कि पूरे साल में हम किसी न किसी घटना से जूझते रहते हैं। अगर खनन नहीं होती तो हम इसका शिकार नहीं होते। उसके बाद महामारी का झेल हमें झंझोर दिया। तीसरा नदी का कटान हम किसानों की कमर तोड़ दी है। न तीनों महामारी को हमें झेलना पड़ता है, लेकिन समाज के ठेकेदार के कानों तले चूंकि भी आवाज नहीं जाती है और घर बैठे उंगलियों पर गरीब किसानों की गिनती करते रहते हैं, क्योंकि आपदा और महामारी ही उनका खुराक है। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, खेतों में जल जमा हो गया। आप यहाँ के सभी फसल नदी में विलीन हो गई है, क्या आप कैसे भरण पोषण करेंगे? देखिए सर, ऐसा बात है कि पूरे बारिश के कारण तो पूरा फसल खत्म हो चुकी है, फसल होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी उसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ सरकार से कि कुछ सुविधा दे इस तहतर आउट एरिया में। और पालन पोषण की बात है तो ये बात है कि आदमी जो कि कोरोना से भी परेशान है, कहीं जा भी नहीं रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं, इसके लिए कोई सरकार सुविधा दे आदमी को, आम आदमी को जाने के लिए, कमाने के लिए, या कोई सुविधा दे जो अन्न पानी की जो सुविधा है वो दे। क्या हर साल की तरह फसलें बर्बाद हो जाती हैं? हाँ सर, हर साल के लिए फसल तो बर्बाद हो ही जाती है। मान लेते हैं बाढ़ हर साल आती है और हर तरह की परेशानी होती है, कभी ज़्यादा कभी कम फसलें होती है, लेकिन इस बार की कोई उम्मीद नहीं है कि होगा फसल। क्या सरकार के द्वारा कोई सहायता मिलता है? नहीं है, जो कटता होता है सर, जो कि फसल वसल तो कट जाता है, नहीं होता है, लेकिन वहाँ के जो सरकार की सुविधा बना, मैं जब से हूँ मैं जानता हूँ कि आज तक कोई सुविधा नहीं आया सरकार की तरफ से, हमको मालूम नहीं है सर, आता तो नहीं है बिल्कुल, ये तो पूरा ओके है कि आता नहीं आज तक कोई। पालन पोषण कैसे करते हैं आप लोग, नदी में जल जमा हो गया है? अब सर वही है, जो आम आदमी जाते आते हैं वो मान लेते हैं, जाते हैं अपना कमाते हैं खाते हैं, उसी में सुविधा अपना करते हैं। इस समय तो लगभग 4 लाख के आसपास पानी छूटा हुआ है, 5 लाख पानी छूटा हुआ है, तो कैसे आप सभी फसल नुकसान हो गए हैं, क्या करेंगे आप लोग? अब सर क्या किया जाए, जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बात यह है कि फसल तो सब नुकसान हो ही गया है, लेकिन उसके बाद अभी तो कोई आदमी जाने आने के लिए अभी तैयार नहीं है बाहर में कि कहाँ कमाएंगे। अब तो आदमी जब दुख हो रहा है तो अब उसको निपटना है, अब सरकार इसके लिए कुछ सुविधा दे तो ठीक है सर। सर देखिए अभी तो 5 लाख पानी आया है, जो धान उन तो होने वाला नहीं है, गन्ना जो दिख रहा है 2 लाख पानी आएगा तो ये भी नहीं दिखेगा।